हम लोग को ना मतलब हम शेफ्स को सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन पता है कहाँ से मिलती है? यहाँ तो मिलती है स्ट्रीट से, यहाँ गलियों से, यहाँ मिलती है ढाबों से। एकदम फर्स्ट क्लास ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी। तो जी नमस्कार, मेरा नाम है रणवीर भुरार और वो ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी, अमृतसरी स्टाइल पनीर भुर्जी खाने के लिए हो जाइए तैयार। कोशिश ये करेंगे कि इस बार 11 मिनट लगे उससे पहले रेसिपी खत्म हो जाए। सब लोग हंस रहे हैं मनी मन। चलिए म्यूजिक सुन के तो आइए। कॉलिंग एंड एक्शन। तो जी ढाबे वाली अमृतसरी पनीर भुर्जी बनाने के लिए आपको चाहिए प्याज और पनीर, ठीक है? सबने कहा पनीर कहाँ गया? अभी कद्दू का शेजी है उर्फ ग्रेटर। हमने कहा मेहनत वाला काम नहीं करना है, इसलिए नाइफ का यूज़ नहीं करेंगे हम। हमने कहा इस बार कद्दू कश पे ही चलाएंगे काम। तो भाई आधा किलो पनीर के लिए हमने लिए हैं 3 मीडियम प्याज। प्याज में चाहे काटू चाहे कद्दू कश, रोना मैं नहीं है। और आगे जो मैं बोलने वाला हूँ घबराइएगा मत, टमाटर बहुत लगता है। अगर तो जब तक ये वीडियो आता है तब तक टमाटर सस्ते हो जाते हैं तो 3 टमाटर डाल लीजिएगा। अगर सस्ते नहीं होते हैं तो 1-1.5 टमाटर में भी हो जाएगा। महंगाई पे जो जोक हैं वो हर सीज़न में बनते हैं, कभी प्याज पे, कभी टमाटर पे, कुछ ना कुछ जो है वो अपने को FD तुड़वा के ख़रीदना ही पड़ता है। कुंडे कोटने में डाला अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। हरी मिर्च ये तीखी नहीं है, हमारी मिर्च डिस्क्लेमर के साथ आती है भाई। ब्यूटिफुल। अगर आप टमाटर यूज़ कर रहे हैं 1.5 नंबर तो आप दही यूज़ करेंगे 1/4 कप। अगर आप टमाटर यूज़ कर रहे हैं 3 तो दही यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। दही के अंदर वही हमारे 3 फेवरेट मसाले, अभी रह गया पनीर। क्या है ना ये सारा काम कर लेते हैं पहले, बाद में सुखी रहेंगे। पनीर को क्या करना है, ग्रेट, क्रम्बल भी कर सकते हैं और ग्रेट भी कर सकते हैं, मतलब मैश भी कर सकते हैं उसको आप चाहें तो। इस केस में यानी कि इस रेसिपी में स्पेसिफिकली ग्रेटेड वाले का मज़ा जो है अच्छा है, क्योंकि इसमें पनीर जो है वो थोड़ा फ्लोटिंग फ्लोटिंग होता है ना मसाले में, तो जितना खिला खिला रहे कद्दूकश पनीर उतना इस रेसिपी के लिए अच्छा है। तो कद्दूकश कर लेंगे तो आपकी हमारी दोस्ती बरकरार रहेगी। नहीं नहीं वैसे भी दोस्ती रहेगी, बट कद्दूकश कर लेंगे तो अच्छी दोस्ती हो जाएगी। अभी इसमें हमने डालना है जी थोड़ा तेल, 70% तेल, 30% सरसों का तेल, लेकिन डालना ज़रूर है सरसों का तेल। इसमें बनेगा भुर्जी का मसाला और साथ में हम बना लेंगे एक अमृतसरी स्पेशल मसाला जो कि ऊपर से स्प्रिंकल होगा। और हम पहनेंगे एप्रन ताकि नई नई शर्ट गंदी ना हो और घर पर जूते ना पड़े। अपनी इज्जत और अपनी एप्रन अपने हाथ में होती है साहब, ठीक है ना? सरसों के तेल को जलने दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपकी आंखें ना जलें सरसों के तेल से, ना जलें सरसों के तेल से, तब तक गर्म होने दीजिए इसको। जलने वाली है बस। अभी अपना अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट। पेस्ट क्या है मतलब रफली रफली क्रश है। बस ये बेस है। अदरक लहसुन हरी मिर्च में कंजूसी नहीं करनी, टमाटर में भले कर लो, ठीक है जी।
अदरक लहसुन हरी मिर्च में नो कंजूसी, ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा उसको स्वेट करना है और डाल देना है प्याज। ये कद्दूकश वाला फॉर्मूला जो है ना हमारे पीजी करते थे, फटाफट खाना बनाने में एक्सपर्ट थे वो, नाइफ वाइफ का चक्कर नहीं, सीधा कद्दूकश कर देते थे प्याज। अगेन प्याज को स्वेट करना है, प्याज का कच्चापन मारना है बस, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब जब पारदर्शी हो जाए उसके बाद थोड़ा और। अब इसमें डालना है जी दही, अब इसको लेना है भून, इतना भूनना है कम से कम नहीं तो 3 से 4 मिनट, ताकि धनिया पकना शुरू हो जाए। देखो जी 3-4 मिनट हो गए, दही ने पानी छोड़ दिया और धनिया जो है वो भून चुका है, हरी मिर्च का ठसका है भाई। ये वक्त है टमाटर डालने का, थोड़ा नमक तो हमने डाला था ना अदरक लहसुन पेस्ट में, ऑप्शनल है शक्कर, हाँ कहना कि दो दाने डाल के जो टमाटर की खटास है वो बैलेंस हो जाती है, आजकल प्याज में वो मिठास नहीं आती साहब। पानी, और अब इसको तसल्ली से छोड़ देना है, कम से कम नहीं तो 12 से 15 मिनट, क्योंकि क्या है अब धीरे धीरे तेल अलग होगा, भुनाई होगी, धीमी आंच पे होने दीजिए, असली मामला अब गंभीर होगा। लाइटली टोस्ट किया और बाकी आपका काम आने वाला है साहब। कसूरी मेथी, बेसिकली काली मिर्च की खुशबू और तीखापन, बड़ी इलायची की खुशबू, उसके साथ में धनिया जीरे की बॉडी और नटीनेस जो है वो मेथी से आ रही है। इसको अब आप पीसेंगे और बड़े अच्छे से मेरे पास ला के देंगे। थैंक यू वेरी मच। अब देखते हैं वापस कि भाई अपने मसाले का क्या सीन है। देखिए धीरे धीरे पता लग रहा है, तेल ऊपर आ रहा है, मसाला भुन रहा है, अभी यहाँ पर भुनाई करनी है। और दूसरी चीज़ देखिए, प्याज को मैंने ब्राउन नहीं किया है, सब कुछ खड़ा खड़ा रखा है ना, पंजाबी खाने की अमृतसरी खाने की खूबी यही है कि सब कुछ खड़ा खड़ा होना चाहिए। ये ढाबे वाले अमृतसरी पनीर का मसाला ही इसकी मोनोपोली है, दोनों मसाले, वो ड्राई वाला भी और ये वाला भी। अब कुछ नहीं करना, थोड़ा धनिया वनिया चॉप कर लेते हैं गार्निश के लिए, बस हो गया। देखिए रंग भी आ गया, रोगन भी आ गया, रोगन मतलब ऊपर का तेल भी छूट गया, कलर भी आ गया है ना, बाकी कलर आ जाएगा जब मसाला डालेंगे जो आप पीसने के लिए लेके गए हुए हैं, है ना। थैंक यू वेरी मच, अरे बहुत 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 शुक्रिया आपका। हमने जो मसाला है उसको ज़्यादा नहीं भूना है शुरू में, आपने देखा ना, बस हल्का सा उसका पानी सुखाया और पीस दिया उसको, बिकॉज यहाँ पे भी थोड़ी भुनाई होगी ना उसकी। देखिए ग्रेवी का कलर भी चेंज होगा, अब ग्रेवी ब्राउन में जाएगी, ढाबे वाला कलर आ जाएगा ग्रेवी पे। अब जी डालना है इसमें पानी, एक बार मसाले का तेल छूट गया फिर पानी डालना है, पहले एक बार पानी डालकर रिड्यूस करना है, भूनना है, जब भून जाए फिर बाकी का पानी डालना है। ये देखिए कलर जो है ये परफेक्ट है, ब्लैकिश रेड, लाल जो है वो टमाटर और देगी मिर्च का, और ब्लैकिश कलर तमाम मसालों का जो हमने बनाए हैं अमृतसरी मसाले के लिए। तो ऐसे आपको एक गाढ़ा मसाला बनाना है, देख रहे हैं लपटा लपटा गाढ़ा मसाला। अब इस लपटे लपटे गाढ़े मसाले में डाल दीजिए धनिया और अपना पनीर, कंसिस्टेंसी जो है ना बस वो मोनोपोली है, देखिए ऐसी बहती बहती, मसाला कहाँ खत्म हो रहा है, पनीर कहाँ शुरू हो रहा है, पता नहीं चलना चाहिए बस।
देखो जी, तेल ऊपर आ गया, इसका मतलब गैस बंद और बटर चालू। देख रहे ना कैसे लपटी लपटी एकदम मसाले वाली पनीर भुर्जी, बस यही हम बनाने जा रहे थे। देखिए मैं ये सोच रहा हूँ कि गार्निश में एक टमाटर डाल दूँ, लेकिन फिर मुझे लग रहा है कि आप कहेंगे रणवीर आपने FD तोड़ाई, रणवीर आपने बताया नहीं, इसलिए मैं टमाटर नहीं डालता। बट टमाटर डाल सकते हैं, लाल रंग चाहिए इसको, डाल देता हूँ। अभी सबको तो पता लग ही गया कि हमने FD तोड़वाई है। अब जो है खाया जाए, ये पनीर, ये पराठा, इसका जो मेल है वो पराठा है साहब। अब मजे की बात देखिए, आपके ये बहाना भी नहीं कि रणवीर कटिंग बहुत है, चॉपिंग बहुत है, सब कुछ कद्दूकश। इसमें ना वो डाल सकते हैं थोड़ा सा प्यार, नीचे वो सब्सक्राइब का जो बटन है ना, वो दबा के थोड़ा डाल दीजिए।